जेहलम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मताहिर हयात वट्टू की जेर सदारत जिला भर में इंसदादे डेंगू इकदाम का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर मजहर हयात ने इंसदादे डेंगू इकदाम और पेश की मनसूबाबंदी पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला जेहलम में रमासाल डेंगू कोई नया केस नहीं रिपोर्ट हुआ, लेकिन मुश्तबा तौर पर 236 अफराद के नमूने लिए जा चुके हैं। इस वक्त मुस्बत साइटिस 4 है। महकमा हेल्थ की टीमें मौसर अंदाज में डेंगू सर्विलियंस कर रही है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की कि सर्विलियंस के अमल को मजीद बेहतर किया जाए, जहां कहीं लार्वा बरामद होता है उसे फौरी तल्फ किया जाए। उन्होंने सख्ती से हिदायत जारी की कि तमाम महकमे इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी मुतल्लिका अमारात में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाएगा।